जिस आरपीएससी की कार्यप्रणाली और आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार पूरे 5 साल आरोपों और सवालों के घेरे में रही, उसी आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, आदर्श आचार संहिता लगने से ठीक 1 घंटे पहले सरकार की ओर से नियुक्त किए गए 3 आरपीएससी सदस्यों में से एक कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अब इस नियुक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। दरअसल आरपीएससी सदस्य बनाए गए कर्नल केसरी सिंह अपने पुराने बयानों की वीडियो वायरल होने के चलते विवादों में आ गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी उनके इन बयानों की निंदा करते हुए उनको सदस्य बनाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको। मैंने कंडेम भी किया है, अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएससी मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, करती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे बाबू बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेज ही हुई है, मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोग लेने के लिए मैंने ही जो बर्डर थे उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकड़े खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख हम लोग आज। दरअसल केसरी सिंह राठौड़ की नियुक्ति के बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिसमें उनकी बातों को एक जाति विशेष के खिलाफ बताया जा रहा है। कर्नल केसरी सिंह के सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किए गए फोटो और वीडियो उनके विवादों का मुख्य कारण बने हैं। 22 साल तक सेना में रहने के बाद जब केसरी सिंह समाज के कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए तो राजपूत समाज के लोगों की लगातार बैठकें लेते वक्त उन्होंने कई ऐसे भाषण दिए जिसमें वे दूसरी जातियों के प्रति द्वेषता फैलाने वाली बातें कहते नजर आए। बता दें कि कर्नल केसरी सिंह राठौड़ नागौर जिले में मकराना विधानसभा के गांव शिवरासी के रहने वाले हैं। केसरी ने भारतीय सेना में 22 वर्षों तक सेवाएं देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद वे राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। कुछ समय पहले तक मकराना सीट से केसरी सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तूल पकड़ रही थी, लेकिन सीएम गहलोत की सिफारिश पर उन्हें आरपीएससी का सदस्य बना दिया गया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आरपीएससी जैसी संस्था में आंख बंद करके नियुक्ति क्यों कर दी जाती है। भले ही कोई व्यक्ति सेना जैसी देश सेवा से जुड़ा रहा हो, लेकिन उसको सदस्य बनाए जाने से पहले क्यों उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं की गई और क्यों यूं ही आंख बंद कर सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।